मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपी मंडल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश ने जातीय गणना को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित गणना का काम पूरा हो चुका है। जातीय गणना के बाद राज्य सरकार की स्थिति के अनुसार सहयोग भी किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि माइक नीचे रखो, माइक नीचे रखो ना, यार माइक नीचे कर लो यार, सब लोग पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। ये कोई निजी नहीं है, कार्यक्रम कर लिया कि सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी। उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का हो, और सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर दिया, ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार भी कर देना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं, और फिर कितनी आबादी है, और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। अब फिर देखिएगा, गांव में रहता था, अब चला गया दूसरी जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा, मान लीजिए गांव का रहने वाला है, अब कोई दूसरे शहर में भी रहता तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या। लेकिन सॉलिसिटर जनरल इसके लिए सारा काम, मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका, अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है सब चीज को सर्वे कर लिया है, अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर। वही इंडिया की बैठक को लेकर नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग 31 तारीख को मुंबई की बैठक में जाएंगे, बैठक की बात बाहर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ जाहिर है मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और एक को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट। मुख्यमंत्री जी, आप जब आप सबको साथ ला रहे हैं, लालू जी ने कही थी कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं नहीं, वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय बता, हम नहीं तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे। शिक्षक बहाली पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली बहुत अच्छा हो रहा है, सबके हित में काम हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।